नासा ने एक नई खोज साझा की है। इस खोज के अनुसार हमारी आकाशगंगा में तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले 7 ग्रहों की पहचान की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आकाशगंगा से परे यह तारा दूसरा ऐसा सबसे बड़ा समूह है जिसका इर्द गिर्द 7 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी 5000 प्रकाश वर्ष बताई जा रही है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम कैपलर 385 रखा है। कैपलर 385 में तारे की बात करें तो इसका द्रव्यमान सूर्य से 10% बड़ा है और सूर्य के बाद यह दूसरा सबसे चमकीला तारा है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में यह भी बताया है कि इन 7 ग्रहों में जीवन की संभावना बहुत कम है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि नासा ने 2009 में केपलर को लॉन्च किया था और अब तक 4400 ग्रहों की यह सूचीबद्ध कर चुका है। भारत की बेटी शीतल महाजन ने रचा इतिहास। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर स्काई डाइविंग करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। 41 वर्षीय महाजन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया। ट्राइबल वुमेन रेस्टोरेंट इन द हार्ट ऑफ महाराष्ट्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पलाश, अ न्यू वेंचर बाय ट्राइबल वुमेन हु हैज बीन एन इनोवेटिव आइडिया फॉर मोर एंड मोर ट्राइबल पीपल हु हैज एन इनोवेटिव वर्किंग स्किल टू कम अंडर द क्यूजींस इंडियन, अरेबियन एंड अमेरिकन क्यूजींस ओवर द फॉरेस्ट रेंज। It has been an idea and adventure by Amit Sandhu, the chef of the restaurant, who has a great intellectual ability to cover up the all women in the forest region. These women has been trained for 3 months to complete the entire restaurant and the hotel. The entire restaurant was situated in the forest within a 300-acre land where small routine cuisines has been introduced and a lot of forest tourist areas peoples are coming and having their leisure time over the place. Research laboratory have made a groundbreaking discovery in Apollo moon rocks, finding the presence of hydrogen for the first time. According to a study published by the journal Communication Earth and Environment, the detected hydrogen believed to be formed by solar winds and comet strikes could become a valuable resource for the future lunar missions. सेना की पहल ने बदली कश्मीर के 6 दिव्यांग युवाओं की जिंदगी। सेना द्वारा इन युवाओं के लिए स्किंग खेल का आयोजन किया गया। सेना द्वारा उठाया गया यह कदम इन युवाओं की जिंदगी बदलने का एक जरिया हो सकता है। बता दें कि इस प्रकार के खेल का आयोजन देश में पहली बार किया जा रहा है। तोते ने काटा अपनी चोंच से चाकू पकड़कर केक। यह नज़ारा बोध गया के एक अध्यापक के घर का है। उन्होंने अपने घर में लाए हुए तोते को 1 साल हो गई। तोते को लाए हुए 1 साल होने पर उन्होंने तोते का जन्मदिन मनाया। तोते ने अपनी चोंच से चाकू पकड़कर केक काटा और सभी घरवालों ने हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाया। इस वीडियो को जो भी देख रहा है सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। अभिभावक जानते हैं अपने बच्चे का प्रदर्शन, अब मोबाइल ऐप पर होगी हर जानकारी। शिक्षा विभाग ने निपुण हरियाणा ऐप बनाई जिसके जरिए अभिभावक अपने बच्चे का प्रदर्शन किसी भी जगह किसी भी स्थान पर देख सकेंगे। 5 मैचों की सीरीज में भारत का विजयी आगाज। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 207 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 42 गेंद में 80 रन बनाए जिनमें 9 चौके 4 छक्के शामिल हैं। ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, विष्णु पुराण का एक और श्लोक इसी बात को कहता है कि तत्कर्म अन्न बंधाए स विद्या या विमुक्तये आया साया परम कर्म विद्या ने शुल्प ने पुण्यम, अर्थात मुक्त करी विद्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी मुक्त करी विद्या का एक उदाहरण है। पूरे देश भर में अब सिलेबस बदल रहे हैं। एक के बाद एक विश्वविद्यालय सिलेबस बदलने का कार्य कर रहा है। इसी के प्रकाश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के सिलेबस को बदलने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अब पूरे देश भर में एक नई कमेटी बनाई जाएगी जो सिलेबस का निर्माण करेगी। दिसंबर में होने जा रहे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में यह सिलेबस इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन 2024 के प्रकाश में यह सिलेबस इंप्लीमेंट होगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को समय भी दिया जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ मैं नीरज करण सिंह, पॉजिटिव न्यूज़।